वो सब देखा भाई लड़की का भाई इधर साहब बने क्या करने यहाँ आई हैं? साहब हमारे को चोट लगी है, साहब लोग मारे हैं। कौन साहब लोग मारे? साहब बदलापुर के। बदलापुर के कौन? साहब संघ तिवारी। क्या है ये, क्या करते हैं ये? साहब को चोट मारे हैं। अरे तिवारी जी क्या करते हैं, क्या है? पुलिस है। पुलिस वाले मारे हैं थाने पे? किस थाने? बदलापुर। बदलापुर थाने। क्यों मारे हैं? सब सब पटीदार में झगड़ा हुआ था, सब हमारे परिवादी। अच्छा, दूसरी पार्टी को नहीं मारे, सिर्फ आपको मारे? नहीं साहब, हम ही लोग मारे। किसको किसको मारे हैं? साहब पांचों लोग मारे हैं। पांचों औरतों को? हाँ साहब, और नाबालिग बच्चे को सबको मारे हैं। नाबालिग बच्चों को ही मारे? हाँ साहब, नाबालिग बच्चे सबको मारे हैं। क्या मामला था, जमीनी विवाद था क्या? हाँ साहब, जमीनी का, जमीनी हमारे काम है। रात रात को दिल बोल बिसाने परिवार बातों में सारे, अब सब घर दुआ जुड़वा बता है, सब घर दुआ सर बना रहे हैं, सब सब मार मार के हमको पैसे दे के सब बना। महिला पुलिस ने मारा आप लोगों को? महिला जींस दोनों साहब, दोनों ने मारा। पहले साहब महिला जींस मार के चला गए, सब महिला कपड़ा उतार के, तब जींस महिला कपड़ा उतार के तब मारी ने पेपर दरवाजा मार दिया साहब, कपड़ा उतार उतार के। हां महिला कपड़ा उतार उतार के। यहां आपने शिकायत किया है पुलिस से? हां साहब किया, साहब पूछे नहीं साहब। क्या कहें वो? कहें कि जाओ हो गया, लिख पढ़ वाले हुए कागज लिए थे साहब, लोन साइन किया था, वो लोन देन साहब बोले हैं बस। आज तक जो घटना हुई थी उसमें क्या मामला है? आज दिनांक 20/3/2022 को समय करीब 9:30 बजे प्रातः थाना बदलापुर क्षेत्र के ग्राम देवरिया में राधा पुत्री जियालाल नाम की महिला द्वारा 112 कंट्रोल रूम को यह सूचना दी गई कि उसकी जमीन में लगे केले के पेड़ों को प्रतिपक्षी राम सेवक आदि काट कर ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना बदलापुर क्षेत्र की पीआरवी 348 मौके पर पहुंची तो पीआरवी के पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों पक्षों में हो रहे झगड़े को शांत कराने का प्रयास किया गया। दोनों पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसी दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष को अलग करने के दौरान पीआरवी के हेड कांस्टेबल राजेश यादव के सर पर मामूली चोटें लगी। सूचना पर तत्काल थाना बदलापुर में अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचा। झगड़ा कर रहे 8 लोग जिनमें 6 महिलाएं व 2 पुरुष हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकरण में आवेदिका राधा की तहरीर पर एवं पीआरबी के मुख्य आरक्षी राजेश यादव के तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी, मौके पर शांत व्यवस्था कायम है।